पनीर की सब्जी तो आपने अलग अलग अंदाज से और अपने ही नए नए स्टाइल से बहुत बार ट्राई की होगी, लेकिन एक बार आप हमारे इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। इस पनीर को हमने ढाबा स्टाइल और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाया है, तो एक बार तो इसे बनाना बिल्कुल बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ढाबा स्टाइल बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मसाला पनीर की रेसिपी। ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और जब भी आपको पनीर की सब्जी बना करके खानी होगी तो आपका मन करेगा कि बार बार आप इसे इसी तरीके से बना करके खाएं। और बनाने में भी ये वाली रेसिपी बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग सा लगेगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के बनाना स्टार्ट करते हैं हमारी बहुत ही टेस्टी मसाला पनीर की रेसिपी। तो मसाला पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर के पीसेस को मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने लगभग 200 से 250 ग्राम के करीब पनीर के पीसेस लिए हैं। इसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं, लेकिन ये वाली रेसिपी बड़े बड़े पीसेस के साथ में ही अच्छी लगती है हमें। तो मैरिनेट करने के लिए हमने इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, इस मसाले के अंदर हम इन पनीर के पीसेस को अच्छी तरीके से लटपट कर लेते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप हल्के हाथों से ही इन पीसेस को अपने मसाले के अंदर मिलाएं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस सब्जी को पनीर को बिना मैरिनेट किए हुए बना सकते हैं, लेकिन हम मैरिनेट करके अपनी सब्जी को बनाते हैं तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। अब इस पनीर को हम आधा घंटा तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी तैयारी करनी है हमें। तो ये हमने बड़े बड़े पीसेस में कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च ले ली है। इनको हम मिक्सिंग जार के अंदर डालकर एक फाइन कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट तैयार कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये देखिए, हमने टमाटर और हरी मिर्च का एक फाइन कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट रेडी कर लिया है। इसे हम इस बाउल के अंदर निकाल करके रख देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मोस्टली जब ढाबा वाले मसाला पनीर बनाते हैं तो उसके अंदर भुना हुआ बेसन और कसूरी मेथी ज़रूर से ही ऐड करते हैं। तो कसूरी मेथी और बेसन को हल्का सा भूनने के लिए हमने ये पैन को गर्म कर लिया है। ये हमने आधा चम्मच कसूरी मेथी ले ली है। तो ये हमने आधा चम्मच कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसे हम बर्तन के अंदर निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब हम थोड़ा सा बेसन को भून लेते हैं। तो बेसन हमने लगभग एक चम्मच ही लिया है। इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, इसमें आपको हल्की सी स्मेल आने तक ही भूनना है। ये देखिए, हमारे बेसन ने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब हमारा बेसन तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आप बेसन डालना बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके ग्रेवी का टेक्स्चर बहुत ही बढ़िया सा आएगा। इसे भी हम अलग से बर्तन के अंदर निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब हम हमारी मैरिनेट की हुई पनीर को फ्राई कर लेते हैं। उसी पैन को हमने गरम कर लिया। इसमें हमने ये 25 ग्राम के करीब बटर को गरम कर लिया। आप चाहें तो इस पनीर के पीसेस को आप तेल के अंदर या फिर देसी घी के अंदर भी हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, लेकिन बटर के अंदर इस तरह से जब हम अपनी पनीर को फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा सा लगता है। एक एक करके हम इस बटर के अंदर अपने पनीर के पीसेस को ऐड कर लेते हैं। और जब हमारे पनीर के पीसेस एक साइड से हल्के से ब्राउन होने लग जाएं, तो हल्के हाथों से उन्हें पलट देते हैं। इस तरह से आपको पनीर के पीसेस पर हल्की सी परत आने तक इनको पकाना है।
ये देखिए हमारे पनीर के पीसेस हल्के हल्के ब्राउन से होने लग गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। आप चाहें तो पनीर के पीसेस को क्रिस्पी क्रिस्पी सा कर सकते हैं, लेकिन हमें पनीर के पीसेस हल्के हल्के से फ्राई की हुई पसंद है। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस यानी कि हमारी सब्जी को बनाने के प्रोसेस में। तो सब्जी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया, इसके अंदर हमने तेल ऐड कर दिया। फ्रेंड्स, इन सभी मसालों और अदरवाइज जो भी चीज़ें हमने ऐड की है उसका मेजरमेंट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा ही जो भी हम सब्ज़ी बनाते हैं उसका मेजरमेंट डालते हैं। तेल को गर्म होने के बाद में हमारी सब्ज़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा सा बटर भी ऐड कर दिया। इस तेल और बटर को अच्छे तरीके से गर्म हो जाने देते हैं। इनको अच्छे तरीके से गर्म होते ही हमने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। तो इसमें हमने एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 2 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च लिए हैं। खड़े मसाले आप इतने ही डालिएगा। छोटी और बड़ी इलायची को हमने हल्का सा क्रश करके डाला है ताकि इनका फ्लेवर अच्छी तरीके से हमारे तेल के अंदर आ जाए। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें तेल में जाने के बाद में चटकती हैं जो हमारे ऊपर लग सकती हैं। अपने सभी खड़े मसालों को हल्का सा सोटी करने के बाद में 2 चुटकी भर के ये हमने हींग का भी ऐड कर दिया। इनका फ्लेवर तेल के अंदर आने के बाद में 1/2 चम्मच भर के हमने जीरा डाल दिया। इसे भी कुछ सेकंड तक पका लेते हैं। इन सभी चीज़ों को हल्का सा सोटे करने के बाद में ये लगभग बड़ा सा प्याज है जिसको हमने बिल्कुल कद्दूकस कर लिया है, इसे डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि प्याज को आपको बिल्कुल कद्दूकस करके ही डालना है ताकि आपकी ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा सा आए। इस प्याज को हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमारे प्याज फटाफट से ही पक जाएं, इसके लिए हमने 1/2 चम्मच भर के नमक का डाला है। ध्यान रहे कि नमक हमने जब पनीर को मैरिनेट किया था तब भी डाला था, इसलिए आपको हिसाब से ही इसके अंदर नमक ऐड करना है। ये देखिए हमारे प्याज हल्के ब्राउन होने लग गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट की कच्चापन हटने तक हमें इसे पकाना है। इसे हमने 1/2 मिनट तक पकाया है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जो हमने हमारे फ्लेवर के अकॉर्डिंग डाले हैं, बट आप इनको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन मसालों में हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी मसालों को हम 1/2 मिनट तक पका लेते हैं। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप तेल के अंदर सूखे मसाले ऐड करते हैं तो हमेशा ही आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। ये हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा था हरी मिर्च और प्याज का, वो डाल दिया। इसे बिल्कुल सरफेस आउट होने तक पका लेते हैं। आपको दिख रहा है ना फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी का टेक्सचर कितना क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है। अब हम गैस का फ्लेम फिर से एक बार लो कर देते हैं और इसमें हमने ये 2 चम्मच भर के दही के ऐड किए हैं। आपको ध्यान रखना है कि दही आपको बिल्कुल खट्टा नहीं लेना है, और जैसे ही आप दही डालें तो उसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो आपकी दही इस ग्रेवी के अंदर फट जाएगी। एक बार फिर से इस मसाले को सरफेस आउट होने तक पका लेते हैं। और ये हमने जो कसूरी मेथी और बेसन भून के रखा था वो डाल दिया है। एक बार फिर से इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। अब हमें जितनी ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर दिया। और इस ग्रेवी के अंदर उबाल आने के लिए एक बार इसे लिड लगा देते हैं। ये देखिए हमारा मसाला पनीर डालने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जिस पैन के अंदर हमने ये पनीर फ्राई की थी उस पैन का मसाला और जितना भी इसके अंदर बटर लगा हुआ है वो सारा का सारा ऐड कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ग्रेवी का टेक्सचर कुछ ज़्यादा ही थिक लग रहा है, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी इसमें गर्म करके और डाल दिया। अगर आपको भी अपनी ग्रेवी का टेक्सचर थोड़ा सा थिक लगे तो उसमें आप पानी उबाल करके ही डालिएगा। और फाइनली हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, लेकिन इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे। तो ये देखिए, ये हमेशा ही मैं अपने किचन के अंदर रखती हूँ शाही पनीर मसाला, उसका 1 चम्मच भर के डाल दूँगी। अगर आपके पास में शाही पनीर मसाला नहीं हो
तो नो टेंशन, आप गरम मसाले का आधा चम्मच भर करके इसमें डाल दीजिएगा। आपकी पनीर की सब्ज़ी के टेस्ट के अंदर बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सच बताऊं फ्रेंड्स, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा इस सब्ज़ी को देखकर कि मैं कैसे रुकूं। तो मैं इसे एक बार चख ही लेती हूं कि मेरी सब्ज़ी फाइनली इतनी सारी मेहनत करने के बाद में बनी कैसी है। वाओ, अमेजिंग फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस सब्ज़ी का स्वाद कितना अमेजिंग आया है। इसे हम ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक और पका लेते हैं ताकि जो हमने सबसे आखिर में शाही पनीर मसाला डाला था उसका टेस्ट इस पनीर के अंदर अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ढक्कन हटाने के बाद में हमारी सब्ज़ी कितनी मस्त लग रही है। और फाइनली हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर हमने ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया, इसे मिला लेते हैं। अब हम चलते हैं हमारी सब्ज़ी को सर्व करने के प्रोसेस में। तो हमने हमारी सब्ज़ी को ढाबा स्टाइल में बनाया है तो इसे हम ढाबा स्टाइल में ही सर्व करेंगे। इसके लिए मैंने ये छोटी सी प्यारी सी कढ़ाई ली है जो मेरी सबसे फेवरेट है। इसके अंदर अपनी सब्ज़ी को सर्व कर लेती हूँ। और सर्व करने के बाद में ऊपर से हमने ये बिल्कुल कद्दूकस करके हमारी सब्ज़ी के ऊपर पनीर डाल दिया है जो ढाबे वाले अक्सर ही डालते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इस टेस्टी सी मसाला पनीर को देखकर आ गया होगा ना डेफिनेटली मुँह में पानी। आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। इस स्पेशल सब्ज़ी को आप नान, रोटी, चपाती, पराठा या फिर राइस के साथ में मज़े ले लेकर के खा सकते हैं। और प्लीज़, अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में एक बेल आइकन आएगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक कीजिए ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और आपको लगता है कि ये वाला वीडियो आपकी फ्रेंड्स और फैमिली में किसी के काम आ सकता है तो प्लीज़ आप शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और हाँ, प्लीज़ फ्रेंड्स, आप अपने परिवार के साथ में इस कोरोना काल में घर पर ही बने रहिएगा। तो एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग।